साजिशों की जाल बुन रहा है चीन। भारत के खिलाफ चीन की नई चाल, क्या पड़ोसियों को भड़का रहा है चीन? जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सोमवार को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल के अपने समकक्षों के साथ पहली संयुक्त डिजिटल बैठक की, तो ऐसे सवाल हवा में तैरने लगे। बैठक के दौरान उन्होंने कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और BRI बुनियादी ढांचा परियोजनाओं यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बहाल करने के लिए 4 सूत्री योजना पर विचार किया। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज के मुताबिक अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमार और नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गवली ने इस बैठक में हिस्सा लिया, जबकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भाग नहीं लिया। उनका प्रतिनिधित्व पाकिस्तान के आर्थिक कार्य मंत्री मखदूम खुसरो बख्तियार ने किया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि चारों देशों को चीन और पाकिस्तान के एक्सपीरियंस से सीख लेते हुए इस महामारी के संयुक्त रोकथाम और नियंत्रण पर क्षेत्रीय सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का चीनी वैक्सीन विकसित हो गया है और चीन इन देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराएगा और उन्हें अपनी जन स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत करने में काफ़ी मदद करेगा। सबसे खास बात यह है कि महामारी के बाद चारों देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के संयुक्त विकास में दृढ़तापूर्वक सहयोग करेंगे और काम को बहाल करेंगे। यही नहीं, चीन ने भरोसा दिलाया कि हम चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC और हिमालय पार कनेक्टिविटी नेटवर्क यानी THCN के निर्माण को सक्रियता बढ़ावा देंगे।